हाय गाइस, तो आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ कुछ बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप अंडर ₹20,000। एंड ये इस प्राइस कैटेगरी में मिलने वाले वन ऑफ द बेस्ट तड़कते भड़कते लैपटॉप हैं। मतलब सारा काम करवा देंगे आपका। मतलब मैंने बहुत चुन चुन के लैपटॉप डाले हैं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ। एंड ये लैपटॉप बहुत ही कॉम्पिटेटिव लैपटॉप है। एंड ये है तुम्हारा अविता का मैग्नस लाइट। तो देखो, ये तो तुम्हारा एक टू इन वन लैपटॉप है, यानी कि टच है इसमें। दूसरा पॉइंट, प्रोसेसर। तो देखो, ये तुम्हारा आता है इंटेल सेलरन के प्रोसेसर के साथ, यानी कि 1.1 गीगाहर्ट्ज की बेस स्पीड मिलेगी एंड 2.4 की टर्बो बूस्ट मिलेगी। पॉइंट नंबर टू, डिस्प्ले, यानी कि 12.2 की फुल HD डिस्प्ले है। HD नहीं सिर्फ, साथ ही में 4GB की DDR3 रैम है, 64GB इंटरनल है, विंडोज 10 होम है। प्राइस है इसका 18,000। अभी बात बताओ, 18,000 में कौन तुम्हें टच स्क्रीन लैपटॉप देता है? बट अविता देता है। अब अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा है, तो अविता ने जस्ट अभी अभी लॉन्च करा है अविता कॉस्मोस। मतलब एग्जैक्टली अभी अभी भी नहीं किया, काफी टाइम हो गया है, बट इस प्राइस पॉइंट पे इसने मैग्नस लाइट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो देखो, अगेन ये भी टू इन वन लैपटॉप है, यानी कि टच के साथ आता है। साथ ही में तुम्हें इंटेल सेलरन N4000 मिलेगा, यानी कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड एंड 2.4 की टर्बो बूस्ट। 11.6 की फुल HD डिस्प्ले है, विच इज नाइस। 4GB की DDR3 रैम है, 64GB eMMC स्टोरेज की इंटरनल है, विंडोज 10 होम है, मिनी HDMI स्लॉट है, साथ में तुम्हें USB 3.0 का पोर्ट मिल रहा है, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है एंड 3.5mm हेडफोन जैक भी है। और वेट की बात की जाए तो देखो, 1.3 kg का वेट है एंड प्राइस भी इसका 18,000 है। तो मैग्नस ले या कॉस्मोस? गाइज, अकॉर्डिंग टू मी कॉस्मोस लो, लेटेस्ट स्पेक्स के साथ आता है एंड रिफाइंड एच दिया है। मैग्नस ना थोड़ा सा पुराना हो गया है। मैं देखो, लेने को उसको भी ले सकते हो, गलती उसमें भी कुछ नहीं है। बाकी मेरी प्रेफरेंस टू इन वन लैपटॉप में कॉस्मोस को जाएगी। बाकी अगर तुम लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें पता होगा असूस ने कुछ ही टाइम पहले, आई गेस 3-4 हफ्ते पहले, एक नई सीरीज निकाली थी क्रोमबुक्स की। तो गाइस, दिस इज वन ऑफ देम। तो ये है तुम्हारा असूस का क्रोमबुक। तो देखो, ये आता है तुम्हारा इंटेल सेलरन N3550 के प्रोसेसर के साथ, जिसमें तुम्हें अगेन 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलेगी एंड 2.4 की टर्बो बूस्ट। 11.6 इंच की HD स्क्रीन है, फुल HD नहीं दे रहे हैं लोग, ध्यान रखना इस पॉइंट को, फुल HD नहीं है। 4GB की DDR4 RAM है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज नाइस। बट अगर तुम लोगों को नहीं पता क्रोम क्या चीज़ है, तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ इन डेप्थ मैंने बता रखा है। क्या उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है? हाँ चलता है। क्या उसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं विंडोज के? नहीं चलते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए ऊपर आई बटन में चेक कर लेना। बाकी सबसे बढ़िया बात यह है कि बैटरी बैकअप बहुत फार मिलता है तुम्हें इसमें, और तुम्हें वाईफाई 5 मिल रहा है और ब्लूटूथ 4 है। 1 kg का वेट है, यानी कि बहुत हल्का है। 720p का HD कैमरा है, वो भी देना ही था। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है और क्रोमबुक है, तो ये भी चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। बाकी पोर्ट्स में देखो, तुम्हें अभी तक सबसे ज़्यादा पोर्ट इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लैपटॉप है ना कि एक टू इन वन लैपटॉप। तो इसमें तुम्हें टाइप ए मिलेगा, USB 3.2 Gen 1 मिलेगा, टाइप सी मिलेगा, USB टाइप सी की चार्जिंग मिलेगी। एंड ये कोई छोटा फीचर नहीं, बहुत बड़ा फीचर है। और प्राइस में तुम्हें 19,000 पड़ेगा, यानी कि कम्प्लीटली जस्टिफाइड लगता है मुझे। कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, तो इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। बाकी अब बात करते हैं सबके बाप की, यानी कि इससे अच्छा लैपटॉप, इससे पावरफुल लैपटॉप कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे एक नुआंस है, 20,000 का नहीं आता यार, ये थोड़ा सा महंगा आता है, बट ट्रस्ट मी कम्प्लीटली जस्टिफाइड है एंड इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ लेने के लिए। तो देखो, ये है तुम्हारा अविता एसेंशियल रिफ्रेश। ये तुम्हारा इंटेल सेलरन N4020 के प्रोसेसर के साथ आता है, यानी कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड मिलेगी एंड 2.8 की टर्बो बूस्ट। 4GB की DDR3 रैम है, 128GB की स्टोरेज है, SSD में वो भी। और एक मजे का बताऊं, कोई भी कंपनी 30,000 से 35,000 तक SSD नहीं देती है, ये लोग देते हैं। तो इस फीचर को छोटा मत समझना। 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, विच इज अगेन नाइस। विंडोज 10 होम है S मोड में। अब जिन लोगों को नहीं पता विंडोज 10 S मोड में क्या है, तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड फीचर है, बट तुम इससे बाहर निकल सकते हो और विंडोज 10 तुम्हारे लैपटॉप में इजीली डाली जा सकती है। ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बटन क्लिक करना है एंड तुम विंडोज S मोड से नॉर्मल विंडोज में चले जाओगे, ठीक है। बैटरी लाइफ में तुम्हें 6 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, वो भी अच्छी है यार। फुल साइज HDMI कीबोर्ड है, USB 3.0 टाइप ए है, माइक्रो SD कार्ड है, हेडफोन जैक है, यानी कि वही सभी सारे पोर्ट जो सब में मिलते हैं। 1.3 kg का वेट है, देखो ये भी हल्का ही है। और अगर तुम में से किसी को डर लगता है यार, मतलब अविता कैसा ब्रांड है, तो गाइज ऑन साइड वारंटी मिलती है 18+6 महीने की। उससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? ज़्यादातर कंपनियाँ 1 साल की देती हैं, तो यहाँ पर भी तुम लोग सिक्योर्ड हो।
और इसका प्राइस है गाइज 21,200 रुपए का एंड कम्प्लीटली जस्टिफाइड प्राइस पॉइंट है। इसका कंपटीशन दूर दूर तक कोई नहीं है, 25,000-26,000 तक भी तुम्हें इसका कंपटीशन नहीं मिलेगा। इसमें सच कोई भी मेजर इशू नहीं है मतलब, और वैल्यू ऑफ मनी में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप यू कैन गेट अंडर 21,000। और अगर तुम कॉस्मोस या मैग्नस ले रहे हो तो गाइज दोनों की परफॉर्मेंस में तुम्हें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा विद एसेंशियल में। तो एंड करते हैं इसके साथ आज की वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।